मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है. I had no idea what was happening. जनसंख्या के Here we were talking about overpopulation. यहाँ भी इतनी crowded पहले ही इकट्ठी हो रही है. I just felt, oh my God, where am I? Oh my God, कहाँ आ गई मैं? हम आम लोग हैं. We are ordinary people. We don't earn much. People think the billionth baby was born with a golden spoon in her mouth, but she wasn't. Otherwise, you'd see it. We'd be rich. कुछ भी नहीं है. अगर सोने का चम्मच होता तो दिखता. जिस दिन आस्था पैदा हुई, The day my daughter was born, I was 9 months pregnant already, and I walked through these very streets and rode a rickshaw to the hospital. हॉस्पिटल में काफी भीड़ थी. द हॉस्पिटल वाज क्राउडेड. द नर्स सेड लाई डाउन ऑन अ स्ट्रेचर, इट वोंट बी लॉन्ग. आई वाज इन पेन ऑल नाइट एंड देन शी वाज बोर्न इन द मॉर्निंग एट 5 minutes past 5. आस्था हुई सुबह 5:05 पे. जब गुड़िया मैंने देखी तो इतनी क्यूट सी थी और सुंदर सी थी. When I saw my daughter, she was so cute, so pretty. I felt wonderful. I said, God, I got just the little doll I wanted. I named her Aastha because it means faith and I have faith in God. उसके बाद आस्था यानी हो गई तो मेरे हस्बैंड चाय पीने. After Aastha was born, my husband went to get a cup of tea, and the doctor came and told me, "Your daughter has been chosen as the 1 billionth baby." I didn't even understand what billionth meant. I was very surprised. 1 billionth baby. तो उन्होंने जब कहा कि तो मुझे बहुत surprise हुआ. So they explained that because she was healthy and I had had a normal delivery, she had been chosen from all the others born that day. एक अरबा बच्चा चुना गया. काफी मीडिया वाले आ गए थे और काफी रश हो गया था. कम से कम देन इट बिकेम वेरी क्राउडेड. द मीडिया केम. देयर मस्ट हैव बीन 2000 पीपल. और क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे कि आपको एक अरबा बच्चा चुना. दे वर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ अस आस्किंग मी हाउ आई फेल्ट बीइंग द मदर ऑफ द बिलियंथ बेबी. एक्चुअली उस टाइम तो ऐसा लगा. एक्चुअली एट द टाइम आई जस्ट फेल्ट लेट देम गो अवे एंड लेट मी गेट सम रेस्ट. हैव टू गेट रेस्ट. मेरी मम्मी को टीवी वगैरह पे दिख रहा था कि My mother was watching TV and she kept hearing our names, so she called up and asked, "What's the matter? Have you had a baby with too many arms or legs? What's wrong?" हाथ ज़्यादा हैं या क्या है? मुझे तो वो दिन याद नहीं है. हाँ, लेकिन I don't remember that day, of course. But that day was perhaps very important for the country. क्योंकि उस दिन मैंने एक वार्निंग दे दी थी. बिकॉज आई केम एज अ वार्निंग दैट वी वर बिकमिंग ओवर पॉपुलेटेड एंड वी नीड टू कंट्रोल इट. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी जो भारत की जनसंख्या है अगर हम आई फेल्ट दैट इंडियाज पॉपुलेशन इफ वी डिडंट डू समथिंग इट वुड कीप ग्रोइंग एंड ऑलरेडी देयर सो मच अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट विल हैपन व्हेन आवर चिल्ड्रन ग्रो अप. तो हमारे बच्चों के टाइम क्या होगा? बिलियन बेबी के हिसाब से तो मेरे लिए बीइंग द बिलियन बेबी इजंट दैट स्पेशल. बट यस, माय बर्थडे इज ऑलवेज स्पेशल. आई लाइक सरप्राइजेस. आई लव बर्थडे पार्टीज. बट नो, आई डोंट फील एट ऑल स्पेशल बीइंग द बिलियन बेबी. मुझे बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगता.